एंड व्हेन यू लुक इनटू द हिंदी सिनेमा, इसमें आपको लगता है, अभी भी लगता है कि कोई एक शख्सियत है, कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? कोई स्पेशल रोल आपके ज़हन में हो, कोई स्पेशल मूवी आपके ज़हन में? ऐसा कुछ है नहीं मेरे साहब. मैंने बहुतों के साथ काम किया है, 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री में. अब तो इतने सारे डायरेक्टर के साथ काम कर लिया कि अमूमन सबके साथ काम कर लिया जिनको मैं पसंद करता था. अब मैं नए लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ. तो मैं अपनी फिल्मों में भी जब जो ज़्यादातर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने डायरेक्टर को बोलूँ कि नए एक्टर एक्ट्रेसेस लो. मुझे मैं खुद नया डायरेक्टर खोजता रहता हूँ. भैया जी भी एक नए डायरेक्टर ने किया जिसने सिर्फ एक बंदा काफ़ी है लास्ट ईयर किया था एंड इट वॉज ह्यूजली सक्सेसफुल. सो आई फील दैट न्यू पीपल विल एड अ लॉट टू माई वर्क. न्यू डायरेक्टर विल गेट अ लॉट आउट ऑफ मी विच आई डोंट इवन नो दैट इट्स देयर बिकॉज आफ्टर फ्यू ईयर्स यू नो यू फील दैट यू नो यू गिवन एवरीथिंग दैट यू हैड बट देर इज़ वन यंग गाई हु इज लुकिंग एट यू फ्रॉम अ कॉर्नर एंड इफ यू गिव हिम स्ट्रेंथ ही विल गिव अ न्यू शेप टू यू राइट. ही विल गिव यू अ न्यू डायरेक्शन बिकॉज ही इज समवन हु इज born and brought up in the time of social media and digital media and OTT platforms. His exposure is immense, you know. So he is looking at films very differently. He is looking at Manoj Bajpayee very differently. So I would like to hold his hand and find my new self, find a new actor within me. A new challenge as well. I mean, yes, when they do that, there is a new challenge.